हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इस वीडियो से लेआउट मैनेजर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लेआउट क्या होता है। तो देखते हैं, द अरेंजमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स इनसाइड ए कंटेनर इज कॉल्ड लेआउट। मतलब अगर हम अपने फ्रेम में कंपोनेंट के जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उन्हें उनका अरेंजमेंट डिसाइड करें, हम उनका अरेंजमेंट डिसाइड करें कि कौन सा कंपोनेंट किधर आना चाहिए और ये कंपोनेंट और कंपोनेंट का अरेंजमेंट किस तरह से होना चाहिए, अगर हम ये डिसाइड करना चाहें तो वो हम लेआउट मैनेजर्स के मदद से करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कंपोनेंट्स को अरेंज करने का काम जो करता है वो लेआउट मैनेजर करता है, और लेआउट मैनेजर जावा स्विंग में लेआउट मैनेजर काफ़ी सारे हैं। ये आप लिस्ट देख सकते हैं लेआउट्स की। तो सबसे पहला है नल लेआउट। नल लेआउट क्या होता है दोस्तों? एक मेथड होता है सेट लेआउट का, ठीक है। तो सेट लेआउट में जब हम नल पास करते हैं तो उसका मतलब है कि हम कोई लेआउट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 2 से लेके 8 तक, नंबर 8 तक ये लेआउट्स के नाम हैं। बॉर्डर लेआउट है, फ्लो लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, ग्रिड बैग कार्ड लेआउट है, और ग्रुप लेआउट, बॉक्स लेआउट। तो ये सभी लेआउट्स हैं, बट जब हम इन में से किसी लेआउट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें नल पास कर देना है। तो नल पास करने का मतलब है कि आप नल लेआउट का यूज़ करें। नल लेआउट मतलब क्योंकि हम किसी लेआउट का यूज़ नहीं कर रहे हैं नल लेआउट में, इसका मतलब हमें कंपोनेंट्स की जो पोजीशन और साइज़ होगा वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कंपोनेंट्स की जो साइज़ और पोजीशन होती है उसे हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है नल लेआउट में। दूसरा आता है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में क्या होता है कि कंपोनेंट एक बॉर्डर के रूप में अरेंज होते हैं। मतलब बॉर्डर में क्या होता है, चार बॉर्डर होते हैं, टॉप, लेफ्ट, अप एंड डाउन, और एक सेंटर, ठीक है। तो उसमें इस तरह से होता है। फ्लो लेआउट में क्या होता है कि कंपोनेंट्स एक फ़्लो के रूप में अरेंज होते हैं। ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि कंपोनेंट्स पूरी स्क्रीन के जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को रिसाइज कर लेते हैं। मतलब अगर स्क्रीन का साइज़ बड़ा होगा तो कंपोनेंट का साइज़ भी बड़ा होगा, अगर स्क्रीन का साइज़ छोटा होगा तो स्क्रीन का साइज़ भी, कंपोनेंट का साइज़ भी छोटा होता चला जाएगा। इसी तरह से एक ग्रिड बैग लेआउट होता है। तो ग्रिड लेआउट क्या होता है कि उसमें हम जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर सकते हैं इस ग्रिड लेआउट में, ठीक है। और ग्रिड बैग लेआउट में क्या होता है कि हम उस, मतलब ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि हम जो भी, मतलब उसकी ग्रिड लेआउट की पोजीशन, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपने आप को अरेंज करने की, वो ग्रिड बैग लेआउट में भी होती हैं, ठीक है, ग्रिड बैग लेआउट में भी होती हैं। तो ग्रिड बैग लेआउट क्या होता है, वो भी अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने साइज़ जो है उसे, कंपोनेंट्स का साइज़ उसे रिसाइज कर लेता है। लेकिन ग्रिड बैग लेआउट में आप क्या कर सकते हैं कि उनकी पोजीशन अपने आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, खुद से पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि हमको कंपोनेंट्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना होता है, लेकिन ग्रिड बैग लेआउट में आप उसकी पोजीशन रैंडम पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक कार्ड लेआउट होता है। कार्ड लेआउट में क्या होता है कि स्क्रीन पर एक बार में सिर्फ एक कंपोनेंट अरेंज होगा, ठीक है, और एक बार में एक कंपोनेंट शो होगा कार्ड लेआउट में। ग्रुप लेआउट में क्या होता है, आप कंपोनेंट्स को ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप के रूप में उसे अरेंज कर सकते हो। बॉक्स लेआउट में कंपोनेंट्स बॉक्स के रूप में अरेंज होते हैं। तो इन्हें हम अगले वीडियोस में डीप में पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन्हें अब बारी बारी से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम नल लेआउट पर वर्क करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।